हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन शेयर के बारे में, यानी IRFC। आज ये स्टॉक ने गैप अप अपनी हो के ना बाइंग ना सेलिंग दिखाई है और 0.5 पे क्लोज किया है और अपने सपोर्ट लेवल पर है। तो अगले सेशन में हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो देख लेंगे सपोर्ट, टारगेट एंड RSI। अगले सेशन में ये स्टॉक साइडवेज ओपनिंग होता है और नीचे आके 142 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। पहला टारगेट 145, ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है। सेकंड टारगेट 149 और थर्ड टारगेट 154.52। सपोर्ट लेवल सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक करता है। पहला सपोर्ट 140.75, सेकंड सपोर्ट 136 और थर्ड सपोर्ट 133.35। ये हो गई इंट्राडे के लिए सपोर्ट एंड टारगेट। अब देख लेते हैं बाइंग करना चाहते हो तो देख लेते हैं RSI। RSI भी चल रहा है 40 पे, जो एक अच्छा बाइंग जोन है। और अब पिछले सेशन में ये स्टॉक ने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई थी और आज हैमर कैंडल बनाई है। तो 145 का लेवल ब्रेक होता है तो हम ऊपर की तरह रैली देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड करके ऊपर की तरह लेवल अचीव कर सकते हो। तो ऐसे डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो में। जय हिंद।